ये हो रखी है लैंडस्लाइड और वहाँ जेसीबी काम कर रही है रोड सफाई का। जो पार्ट पड़ रहा था भाई शाम के 5 बजे का, और केदारनाथ 33 किलोमीटर, गौरीकुंड 16 किलोमीटर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय शंकर भगवान, जय बद्री विशाल, जय तुंगनाथ महाराज। स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई फिलहाल फाटा में है, जैसे कि आपने कल वीडियो में देखा होगा, और यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है। और अभी भाई जस्ट जैसी भी गई, और सुबह टाइम हो रहा है 6 बजे, और मैं दिखाता हूँ आपको। और ये मेरे को लगता है 4-5 घंटे से पहले साफ आई होगी रोड की, और फिर उधर से बंदे आएंगे क्योंकि वो रात के फंसे हुए हैं, फिर इधर से जाएंगे, वो ही 7-8 घंटे आज लग जाएंगे शायद, जहाँ तक मेरा सोचना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लैंडस्लाइड कहाँ रखी है। ये देखो भाई, ये हो रखी है लैंडस्लाइड, और वहाँ जैसी भी काम कर रही है रोड सफाई का। ये देखो भाई, सीधा सीधा रोड था, लेकिन इन्हें गाड़ी धोने का फैसला कराया, और आई एम सो सैड। और यादव को सुती डाल पार की वहाँ लाग रही है, वह गाड़ी धोने लाग रही है, इतनी गलत बात है भाई। अपने सीधा सीधा रोड तो चलिया करो। लैंडस्लाइड हो रही भाई, लेकिन झरने का व्यू देखो एक बार, आए हाय गजब का व्यू आ रहा है भाई, माने गए लाला। अरे बाबा, परीक्षा लेते टाइम भाई बारिश और कर दी है, अब देखो उनके भगत कितनी देर तक परीक्षा कराएंगे उनके भक्तों को। और भाई वहाँ, और ये देखो रोड की सफाई और दर्शकों का जमावड़ा लगता हुआ, दर्शक है भी मात्रा में, और बारिश की वजह से छाता ले रखा है। मेला लग गया भाई, तो लोगों का, आने जाने वाले लोगों का मेला लग चुका है बिल्कुल। लोग पैदल उतर उतर के जा रहे हैं, जो ट्रैफिक में है मतलब जिप्सी में, वो इधर वाले उधर वाले जिप्सी में जा रहे हैं, उधर वाले इधर में, ऐसे दोनों को एक्सचेंज होके और टाइम बर्बाद नहीं होएगा। लगे लगे लोगों का उगाई, पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये होती है भाई सच्ची भक्ति। चक्रे वीर बजरंगे हर हर महादेव। और भी बरात अटेंड की मामा की घर रखी, तो ट्रक में बरात थी, साइकिल में घुड़ चढ़ी। तो बात क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कुकर में बता दूंगा, कुकर में बिठा कर तला। यो हरियाणा है प्रधान क्या करते हैं, कई कई पंगत जाती, सारी एकदम नहीं जाती, दूल्हा अलग जाता है, उसके जीजा साथ में दोस्त है, तो क्या करते हैं अपने जाते तो बाजे वाले होते थे, रोटी पे जा रहे हैं तो पता लगा कि हमने रोटी खाने जा रहे हैं, तो पीछे बराती चलते थे, आगे बाजा वाला, और उसमें घोड़े में फंस गए, कोई नाचने वाला बरात नहीं नाचा करते पर बाजा। तो मैं ऐसे आपको चाय पिलाने भगवान का भजन करते ले गया, और वापिस में भजन करते लाया। बोलो वृंदा जय, भगवान का भजन, हंसते हुए भगवान का भजन। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, अगर वो हमारे को देख के हंस रहा है तो आप पुण्य के हकदार, आपको देख के करे के राम राम करे, उसके मुख से राम राम तो निकला, ठीक है। सही बात, सही बात, हर तरह से आप यहाँ के नाच रहे हैं भगवान के धाम पर, भगवान के नाम पर, बोलिए राधे 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 राधे। कहाँ से नहीं, देखो अच्छा लगा, नहीं भगवान के नाम पर 1% लोग साथ चलेंगे, और झगड़ा कर लो सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा। सही बात है, जो जानता है मर्स मत तेरी। सही बात है, सही बात। राधे राधे, कहाँ से हो सर आप? दिल्ली। अच्छा, सब दिल्ली से हो, अच्छा कहाँ, बद्रीनाथ से आ रहे हो आप? यमुनोत्री फर्स्ट, यमुनोत्री सेकंड, गंगोत्री, गंगोत्री टू केदारनाथ, ठीक है ठीक है, फिर आफ्टर बद्रीनाथ। और ठीक है, वाह सब ग्रुप है सर आपका? हाँ जी ग्रुप है आपका, ग्रुप, यस 21 का ग्रुप है, ठीक। तो वही 9:30 का टाइम हो चुका है, और अभी भी जाम नहीं खुला है, तो मतलब
इसीलिए बोलते हैं आपको, अगर देखो पुलिस वाली गाड़ी और आर्मी भी आई है अब तो जल्दी करवाने के लिए, क्योंकि जाम बहुत लंबा हो चुका है। तो भाई इसीलिए बोलते हैं आपको, पहाड़ों पे सावधानी से चलिए और जो लैंडस्लाइड से बचे, पत्थरों से बचे, आराम से चलाइए, जल्दी जल्दबाजी मत करिए। पहाड़ों पे क्यों बोलते हैं आपको, इसीलिए बोलते हैं। और जो साइड में चेतावनी लगाई होती है कि आगे तिर मोड़ है, पत्थर गिरने की संभावना है, वो हम सब लोगों के लिए ही है। हम सब फ़ायदा है हमका उनका, और क्यों फ़ायदा है वो आप जब वीडियो में देख लो। देखो पैदल घूम रहे हैं लोग, क्योंकि गाड़ी में कितनी देर बैठेंगे, सोएंगे, कितनी देर कर लेंगे। तो इसीलिए भाई मतलब ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। और अब तो वहाँ से थोड़ा बहुत तो खुल गया है, लेकिन आगे एक और 1.5 किलोमीटर पे लैंडस्लाइड हुई हुई है। तो भाई इसलिए बोलते हैं आपको, सावधानी से चलिए। तो भाई अगर आपको मतलब वीडियो में कुछ ठीक ना लगे, कभी भी ना लगे, लेकिन आप इन सब चीज़ों से सावधानी रहिए भाई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है पहाड़ों पे। अगर आप सही से चल रहे हैं तो 50 बंदे और सही चलेंगे, और आप गलत चलोगे तो 50 बंदे और आपके घर वाले भी परेशान। बाइकें जाने लग गई हैं वहाँ से, मतलब पैदल और बाइकों के लिए जगह बन गई है, लेकिन गाड़ी वालों के लिए अभी जगह नहीं है। यहाँ फाटा में हेलीपैड भी है एक, लेकिन वहाँ लोगों ने पूछा था पुलिस वालों से, तो पुलिस वालों ने बताया कि 15 दिन की वेटिंग है हेलीकॉप्टर से, तो तभी वेट कर रहे हैं लोग, वरना जो पैसे वाले हैं भाई वो वेट नहीं कर पाते। बात तो सही है। अब जाके भाई रास्ता ओपन हुआ है, जाम खुला है और आने लग गई हैं बसें। और केदारनाथ 33 किलोमीटर, गौरीकुंड 16 किलोमीटर, और हम भाई सोनप्रयाग में पहुंच के ब्लॉग एंड कर देंगे। वहाँ से बताऊंगा मैं आपको केदारनाथ की कैसे चढ़ाई करनी है, क्या करना है और कैसे जाना है, पूरी यात्रा वहीं कवर होगी। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते हैं, वो आपको अगले ब्लॉग में दिखेंगे। और अब हमारी साइड का खुलने का वेट है, फिर हम चलते हैं। एक यो झरना हुआ है, गाड़ी धोने में सही काम आ रहा है हमारे वाली। धो लो थोड़े थोड़े हम भी धोंगे। कती रोड पे पड़ा है भाई, सही वॉशिंग होने लग रही फ्री में। आए हाय यार, ये अपने ऊपर ही रोक दिए दीपक। हां अपने ऊपर रोक भाई गति। बारिश आ गई। यो पाड़ पड़ रहा था भाई शाम के 5 बजे का, और इसकी सफाई कर रोड की। अब 10 बजे तक ये रास्ता हो गया है। 10:30 बज गए, देख लो भाई बारिश के उसमें पड़ गया है। आगे देखो क्या मशीन लाग रही, ये नसारियाँ ना लाग रही थी भाई, नॉन स्टॉप ही सफाई कर करती हैं। यहाँ के दिहाड़े जाने के पाछे से लेके देख पहाड़ पड़ गया है, अगर की उड़े थे चालू हो जाएगी से डाल। एग्जाम खुल जाना तो उल्टे हुए हैं ना अपना। आया भी होगा कई, तो बैठ के भी आए होंगे। हाँ आग उड़े तो अपना कहते हैं टैक्सी पे आए होंगे लोग, आके कहते हैं बैठा के ले गए। जो आ गया भाई, एक और आया भाई। अरे मौसा ले जा वो खट्टर लिए। तो गाइस फाइनली हम भाई सोनप्रयाग पहुंच गए, और सोनप्रयाग की पार्किंग यहाँ पे अपना जो भी आप प्राइवेट व्हीकल में आओगे उस वो यहाँ पे खड़ा करके पार्किंग में, और फिर आगे जाना पड़ता है। तो अब देखें भाई आगे कैसे जाएंगे, क्या किराया है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय शंकर भगवान, जय केदारनाथ भगवान, जय बद्री विशाल।